देखिए, आज जो अधिवक्तागण आज जिलाधिकारी कार्यालय का जो घेराव किए हैं, उसका मेन मुद्दा ये था कि जैसे सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों ने आज एक निर्णय लिया था कि जब तक सिविल कोर्ट परिसर में सफाई की व्यवस्था और कुछ ऐसी विसंगतियाँ थी जो कि बार बार जिला जज साहब के कहने से वो पूरा नहीं हो पा रही थी, और साथ ही साथ कई जजों के जो सीट खाली हैं इस समय, जिसे वादकारियों का हित प्रभावित हो रहा है, तो कई बार इन जजों जज साहब लोगों से कहने से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी, जिससे सारे अधिवक्तागण क्षुब्ध होकर जिलाधिकारी साहब से मिल के अपनी बात बताए हैं, और साथ ही साथ जो है आज ये निर्णय लिया गया है कि आज एक दिन के लिए हम लोग पूर्ण दिवस का मतलब हम लोग कार्य नहीं करेंगे। इसी को लेकर आज जो है उस सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि जो जिला जो जहाँ वकील अधिवक्ता लोग बैठते हैं वहाँ पे कुछ साफ़ सफाई का काम, कुछ पानी वानी टूट लगाने का काम चल रहा था पाइप का, तो उसका विरोध मतलब जो नाजिर हैं उनका विरोध कर रहे थे वो काम। नहीं देखिए, ये सब बात गलत है। जो भी आज बार एसोसिएशन से लिख के जो आया है और जो ऑन द रिकॉर्ड है उसमें साफ है कि जो जजेज के जो पोस्ट खाली हैं उसको लेकर और साफ सफाई को लेकर हम लोगों ने ये हड़ताल किया हुआ है। बाकी और क्या बात थी ये हमारे अध्यक्ष जी इस बारे में बताएंगे। डीएम साहब से बात हुई है हम लोगों की, उन्होंने हम लोग वहाँ पे कार्यालय पे गए थे, वहाँ पे अध्यक्ष और मंत्री जाके उनसे मिले हैं और अपनी सारी बात बताए हैं, और इसके बाद की जो प्रक्रिया है हमारे अध्यक्ष जी इसके बारे में अच्छी तरह बता सकते हैं। जो मुझे पता था मैंने आपको बता दी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे डायनामाइट न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।